मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, और अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो उसका फल कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है। अरे मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह तो हकीकत है। आपको रहर की खेती का पिछला वीडियो याद है ना? तो फिर दीदियों की गई मेहनत भी याद होगी। यह देखिए, सही दिशा में की गई मेहनत का फल, कितना सुंदर दिख रहा है यह पौधा, और इनकी कोमल पत्तियों को तो देखिए, देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन मेहनत का पूरा फल मिलना अभी बाकी है। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम रहर की अच्छी फसल पाने के लिए उसकी कोमल कपोलों, या यूं कहें उसके ऊपरी तने की तुड़ाई करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसकी पूरी विधि बताऊं, आइए एक बार फिर देखते हैं कि रहर की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। खेत की तैयारी, बीज का चुनाव एवं उपचार, बीज की रोपाई, कपोलों की तुड़ाई, उकठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाओ, फल छेदक कीड़े से बचाओ, फसल की तुड़ाई एवं भंडारण। रहर की खेती की इसी विधि का पालन हमारी दीदी भी कर रही हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो बीज या पौधों की रोपाई में से दीदी को कितनी बातें याद हैं। दीदी, सबसे पहले रोपाई के लिए उपचारित एवं अंकुरित बीज का प्रयोग करनी चाहिए। दूसरा, मेड़ पर एक एक मीटर की दूरी में दो दो बीज रोपनी चाहिए। तीसरा, 2 इंच की गहराई में बीज को रोपाई करनी चाहिए। चौथा, पौधा लगाने समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौधा स्वस्थ हो, और अंत में पौधे लगाने के बाद आसपास की मिट्टी को हल्के हाथ से दबा देना चाहिए। सीखने का जज्बा और अच्छी फसल की चाहत, यह अगर आपके मन में भी होगी तो आपको भी ये बातें यूं ही याद हो गई होंगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रहर के कपोलों की तुड़ाई क्यों करते हैं, इस तुड़ाई से क्या फायदा होता है, जानना चाहते हैं आप? तो यह रहा आपके सवालों का जवाब। देखिए, अगर आपको अरहर की फसल की उपज अधिक लेनी है, अच्छी फसल लेनी है, तो इसके कपोलों की 2 बार तुड़ाई करना बहुत आवश्यक है। कपोलों को ऊपर से 2-3 इंच ऊपर से 2 बार तोड़ा जाता है। पहली तुड़ाई पौधे उगने के करीब 35 दिन बाद और दूसरी तुड़ाई उसके 1 महीने के बाद कर देनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि कपोलों को तोड़ने के बाद मुख्य तने से बहुत सारी अगल बगल से शाखाएं निकलती हैं और पूरा पौधा बड़ा हो जाता है, जिसका मतलब है अधिक फल और अधिक फूल और अधिक उपज। आप इस प्रक्रिया को करके फसल की अच्छी उपज ले सकते हैं और अरहर से काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। देख रही हो, पौधा कितना स्वस्थ और सुंदर दिख रहा है। हाँ दीदी, ये पौधा तो बिल्कुल मस्त मस्त दिखाई दे रहा है। हाँ, मस्त इसलिए है क्योंकि हमने इसकी खेती विधि पूर्वक की है। दीदी, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले उगे हुए 2 पौधों में से एक पौधा क्यों उखाड़ रहे थे? वो इसलिए कि तुम्हें याद है पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक गड्ढे में 2 बीज लगाना है। हाँ दीदी, हमको बिल्कुल याद है कि हम 2 ही बीज लगाए थे। तो उसमें ये भी बताया गया था कि 2 बीज इसलिए लगाते हैं, एक बीज खराब हो जाए तो दूसरा निकल आए। हाँ दीदी, हमें ये भी बताया था। अब अगर दोनों बीज में से कोई भी खराब नहीं हुआ और दोनों निकल आए तो एक पौधा उसमें से निकालना पड़ेगा, वही मैं कर रही थी। लेकिन एक को निकालना क्यों है दीदी? वो इसलिए कि वहाँ एक ही पौधा होगा तो फूलने फलने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी, और वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह मिलेगा तो हवा, पानी, खाद, पोषण ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही दीदी, दोनों पौधा एक साथ रहेगा तो दोनों ही नहीं बढ़ेगा जितना कि उसको बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, उगे हुए 2 पौधों में से एक पौधे को हटाना क्यों जरूरी है? अच्छा दीदी, ये बताइए कि कपोलों की तुड़ाई हमें कब करनी चाहिए? देखिए दीदी, आपका पौधा लगभग 1.5 फीट का हो जाए तो कपोलों की तुड़ाई पहली बार करना चाहिए। 1.5 फीट मतलब एक हाथ ही ना दीदी? बिल्कुल दीदी, बीज लगाने के बाद 35 दिन के आसपास
पौधा की ऊंचाई 1.5 फीट हो जाती है। हाँ दीदी, तभी उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। तुड़ाई करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इसकी तुड़ाई का भी नियम है क्या दीदी? दीदी, खाना खाने से लेकर पानी पीने तक का नियम है, तो इसका नियम नहीं होगा क्या? ठीक है दीदी, फिर बताइए क्या है वो नियम। कपोलों की तुड़ाई करते समय हमें सावधानी से पौधों को पकड़कर किसी धारदार हथियार जैसे चाकू, कैंची या फिर ब्लेड से 2 इंच ऊपर से काटकर अलग कर देना चाहिए। जैसे हम चना में करते हैं वैसा ही ना करनी है दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पौधा को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और पौधा उखड़ न जाए। हाँ दीदी, इसे हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलो चलो कपोलों की तुड़ाई करते हैं। दीदी, ये सारे पौधों की कपोलों की तुड़ाई हो गई है। हाँ, आज से लगभग 1 महीने के बाद नई शाखाओं की कपोलों की तुड़ाई करेंगे। जैसा हम अभी किए हैं वैसा ही ना करना होगा दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जब हम कपोलों की तुड़ाई करेंगे तो बगल से नई शाखाएं निकल आएंगी। हाँ दीदी, इससे हमारा पौधा बड़ा और घना भी हो जाएगा। यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें। ऊपरी तने या कपोलों की तुड़ाई कब कब करनी चाहिए एवं इससे क्या फायदा होता है? अब यही बातें करती रहोगी कि घर चलकर बच्चे को खाना भी खिलाओगी। चलो चलो दीदी, मेरी बेटी का स्कूल जाने का समय हो गया है। चलो चलो चलते हैं। रहर की खेती में आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। खेत की तैयारी से लेकर फसल की तुड़ाई तक लगभग 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने बाद रहर की जबरदस्त फसल देखकर आपको भी कुछ वैसी ही खुशी मिलती है जैसे एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देकर मिलती है। आप भी उस माँ की तरह अपने बच्चे यानी रहर को देखकर अपनी सारी जी तोड़ मेहनत भूल जाएंगी। तो आइए अब मैं आपको रहर के एक विशेष गुण के बारे में बताता हूँ। छिलके वाली रहर की दाल को पानी में भिगोकर उस पानी से कुल्ला या गरारा करने से मुंह के छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। रहर के इस गुण के बाद अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर का पौधा सूखने की बीमारी से इसका बचाव कैसे किया जाता है। अरे हाँ, तब तक आप 5 से 7 किलो नीम के बीज या निमोली की व्यवस्था करके रखिएगा। कपोलों की तुड़ाई में समझौता न करने वाले बिंदु। कपोलों अर्थात पौधों के ऊपरी तने की पहली तुड़ाई रोपाई के लगभग 35 दिन बाद या पौधा के 1.5 फीट के हो जाने पर करें। ऊपरी तने की दूसरी तुड़ाई पहली तुड़ाई के लगभग 1 महीने बाद करें। तुड़ाई के लिए धारदार वस्तु जैसे चाकू, ब्लेड या कैंची का प्रयोग करें। पौधे की हर शाखा या डाली को तने के ऊपर से लगभग 2 इंच भाग काटकर अलग कर दें। ध्यान रहे कि तुड़ाई या कटाई करते समय पौधे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे एवं पौधा उखड़ने न पाए।